सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है, तब से शिवसेना की ओर से रिया चक्रवर्ती के फेवर में कई दावे कर चुकी हैं वो। जी हां, दरअसल में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से बिहार पुलिस ने भी करीब इस मामले की छानबीन की है। और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे पर निशाना साध दिया है। सामना के जरिए उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में सिर्फ दो ही लड़कियां थी, एक अंकिता और दूसरी रिया। उन्होंने आगे लिखा कि अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया की नजरों में बुरी बन चुकी रिया चक्रवर्ती उनके साथ आखिरी तक थी। जी हां, संजय राउत ने कहा कि इस बारे में अब जांच होनी चाहिए कि आखिर किस वजह से अंकिता ने सुशांत को छोड़ा था। अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2016 के आखिरी में शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन अचानक से ही उसी साल यानी 2016 की शुरुआत में ही दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट में दावा किया जाने लगा कि सुशांत अंकिता के पजेसिव नेचर के चलते परेशान हो चुके हैं। बीते दिनों रिया चक्रवर्ती से ईडी ऑफिस में तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वहीं आज फिर से रिया चक्रवर्ती को ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं उनके भाई से ईडी ऑफिस में तकरीबन 18 घंटे तक पूछताछ चली थी। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।